हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी बेटर होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। काफ़ी मज़ा आ रहा था। लास्ट की सीरीज तीन लेक्चर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, #1, #2 और #3, जिसमें फैक्टराइजेशन के ऊपर पूरी PhD मैंने आपको करा दी है, किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, किस टाइप से सॉल्व किए जाएंगे। और अभी तक अगर आपने फैक्टराइजेशन की सीरीज नहीं देखी है, उसमें अभी तक अगर आप एक्सपर्ट नहीं हुए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देर नहीं करनी है, बिल्कुल आपने जाके वो बेसिक लेक्चर कंप्लीट करने हैं। लेकिन कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बच्चों ऐसी भी होती हैं, पहले बेस बनाते हैं कि ये लेक्चर आज का क्यों बनने जा रहा है, थंबनेल में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्यों पड़ा हुआ है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहां से आया। तो पहले लेक्चर का इंट्रोडक्शन लेते हैं, उसके बाद फिर इसके ऊपर बिल्डिंग खड़ी करने वाले हैं बहुत डीप डिटेल में। तो कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आज भी ऐसी हैं जिनको फैक्टराइजेशन के बस की बात नहीं है कि सॉल्व कर दें, फैक्टराइजेशन से वो इक्वेशन सॉल्व हो नहीं पाएंगी। तो एक इंडियन ब्रेन जिसका नाम था श्री धाराचार्य, संस्कृत स्कॉलर, अ पंडित, समझ रहे ना बात को, एक संस्कृत स्कॉलर थे, एक फिलोसोफर थे, इंडियन ब्रेन श्री धाराचार्य जी। कितना ट्रेडिशनल नाम लग रहा है, ट्रेडिशनल लोगों को देख के लोग बोलते हैं कि ये पंडित जी या ये मौलाना साहब क्या मैथमेटिक्स जानते होंगे। लेकिन उस ब्रेन ने उन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिनके फॉर्मूला जिनके फैक्टराइजेशन नहीं हो सकते उनको सॉल्व करके दिखाया, उनका एक जनरल फॉर्मूला ड्राइव करके दिखाया, जिसको आज लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के नाम से जानते हैं। लेकिन मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नाम बहुत कम ही लेना चाहता हूं, क्योंकि जिस हर न्यूटन ने कुछ डिस्कवरी करी, न्यूटन को लोग न्यूटन के नाम से आज फिजिक्स में जान रहे हैं, आइंस्टाइन की डिस्कवरी को आइंस्टाइन के नाम से जान रहे हैं, तो वाई श्री धाराचार्य का रूल नहीं लिया जा रहा है, उनका नाम क्यों नहीं लिया जा रहा है, इसको काहे मॉडर्न एजुकेशन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोल रही है। तो श्री धाराचार्य का रूल है, मैं हमेशा श्री धाराचार्य रूल बोलता हूं और बोलता रहूंगा, और आपको भी बोलूंगा कि इसको श्री धाराचार्य के नाम से ही जाने। ही वॉज अ इंडियन स्कॉलर ऑफ मैथमेटिक्स, संस्कृत एंड फिलोसॉफी। अब यहां से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। श्री धाराचार्य ने ऐसा क्या कर दिया जो मैथमेटिक्स आज भी उनको याद करती है, मैथमेटिक्स के ऊपर आज भी उनका एहसान है पूरी दुनिया के ऊपर, पूरी दुनिया के लोग उनका फॉर्मूला यूज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं जिनके फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। अब आप इस इक्वेशन को उठाइए, क्योंकि मेरा मकसद, मैंने क्या कहा था, यहां पे मैं रटाता नहीं हूं, यहां पे मैं आपको सिखाता हूं कॉन्सेप्ट। तो बहुत बहुत स्वागत है, और मैं हूं आपका मैथमेटिक्स मेंटर फरमान मलिक, और यह है आपका खुद का अपना चैनल FM मैथमेटिक्स। तो देखिए, अब यह है इक्वेशन है आपकी, फैक्टराइजेशन क्या सिखाया था, सी की मल्टीप्लाई ए से कर लो, तो 2 × 4 = 8 बन जाएगा, 8 × 1 = 8 हो गया, 4 × 2 = 8 हो गया, 2 को 4 को प्लस करो, 2 को 4 को माइनस करो, 2 बनेगा, हमें चाहिए 1, 8 में से 1 को प्लस करो, 8 से 1 को सबट्रैक्ट करो, ऐड करो, कुछ भी कर लो, 1 बनने वाला नहीं है। यानी कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड इज नॉट पॉसिबल, यानी कि फैक्टराइजेशन इसके आप बना नहीं पाएंगे। फैक्टराइजेशन अगर आप बना पाए तो मुझे बता दीजिए। ये क्वेश्चन मैंने आपकी NCERT एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 का 2 उठाया है, ये क्वेश्चन का रेफरेंस है, यानी कि आपकी बुक में दे रखा है। तो ऐसा क्या करें जो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, मैं एक अप्रोच बता रहा हूं आपको, मैथमेटिकल अप्रोच है, जिसको बोलते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। एक कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। सर ये क्यों सिखा रहे हो, सर ये सिलेबस से हट चुका है। अगर आप वो बच्चे हो जो ये कहते हो कि सर ये सिलेबस से हट चुका है, सर ये सिलेबस में नहीं है, ये हम नहीं पढ़ेंगे, छोड़ दीजिए वीडियो, लेक्चर मत देखिए, आपका आप सीखने वाला एटीट्यूड नहीं रखते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के बिना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का कोई वजूद नहीं है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की हेल्प से ही श्री धाराचार्य ने दिमाग लगाया और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को ड्राइव किया। लेकिन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एक लंबा चौड़ा मेथड था, तो हर इंसान उस टाइम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, हर मैथमेटिशियन एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पे लगा रहा था। श्री धाराचार्य ने क्या कहा, बोले इसमें क्या बड़ी बात है, ax2 + bx, उन्होंने एक जनरल इक्वेशन ली और इसको सॉल्व कर दिया, और सॉल्व करने के बाद सभी जानते हैं वो हिस्टोरिक वैल्यू आई, जिसको हम लोग −b + −√b2 − 4ac/2a के नाम से जानते हैं। दिस इज श्री धाराचार्य रूल टू सॉल्व एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन ये वैल्यू कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से ही सॉल्व करके तो दिया था श्री धाराचार्य जी ने। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, अगर आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का डेरिवेशन समझना है तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड समझना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को बच्चों करते हैं। अब आपको याद रखना पड़ेगा मैं क्या क्या कर रहा हूं, उसके बाद मैं आपको श्री धाराचार्य का रूल ड्राइव करके दूंगा। तो बात को सुनेंगे ध्यान से।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी x का कोफिशियंट होगा बच्चों, जो भी x का कोफिशियंट होगा, यानी कि फैक्टराइजेशन से दूसरी तरीके से सॉल्व करके दिखा रहा हूं, ये फैक्टराइजेशन तो पॉसिबल ही नहीं हो रहा। तो आपको क्या करना है बच्चों, जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट होगा उससे डिवाइड कर देना है, डिवाइडेड बाई टू ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड आपको डिवाइड कर देना है टू से बच्चों, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट क्या दे रखा है, टू दे रखा है। सर जब आप इसको टू से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स बाई टू, और फोर बाई टू ये बचेगा टू इक्वल टू जीरो। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इस स्टेप के बाद आपको क्या करना है बच्चों, ये माइनस टू को तो उधर प्लस में भेज दीजिए, प्लस टू, ये जो x बाई टू बचा। अब थोड़ा सा मैं आपको एक इंट्यूटिव आइडिया देना चाहूंगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर सभी जानते होंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, करेक्ट हो रही बात, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। यहां पे क्या है देखिए, ए स्क्वायर यहां पे a आ रहा है, अगर मैं इसको अलग कर लूं, x को अलग कर लूं, टू तो मुझे चाहिए ही चाहिए, वन बाई टू ऑलरेडी था तो यहां पे क्या लिखना पड़ेगा, वन बाई फोर। इस बात को समझिए, टू टू जो फोर हो जाएगा, वन बाई टू बचेगा, यानी कि मैंने जबरदस्ती वाला टू कॉमन लिया है। जब टू जबरदस्ती वाला कॉमन लिया है, ये कहानी मैं बता चुका हूं, जबरदस्ती कॉमन लेने वाली, तो टू डिवाइड में जाएगा, तो टू और डिवाइड में था, टू और डिवाइड में था, फोर था। ऐसे क्यों लिखा सर, ताकि ए स्क्वायर, ए की वैल्यू तो मुझे मालूम थी ना, एक्स है, तो ए स्क्वायर प्लस का टू जबरदस्ती चाहिए था, ए ए की जगह तो एक्स था ही, और बी अब कौन बचा, बी कौन बचा, वन बाई फोर। तो यहां से आपको बी की वैल्यू मिल जाएगी बच्चों, लेकिन बी स्क्वायर तो नहीं है, अभी भी दिक्कत है, बी स्क्वायर नहीं है। तो एक और काम कर सकते हैं, टू इंटू एक्स इंटू वन बाई फोर, यहां से बी की वैल्यू तो मिल गई, वन बाई फोर का होल स्क्वायर एड करेंगे, वन बाई फोर का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे, इक्वल टू टू। बात को समझिएगा, श्री धाराचार्य ने यही काम किया था, बस वो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, इसके बाद वो आपको सॉल्व करके दिखाना है, मगर इसके बिना हो नहीं पाएगा, हर क्वेश्चन पे अलग अलग करते हैं, तो इसलिए श्री धाराचार्य ने एक फॉर्मूला बना के दे दिया। ठीक हो रही बात, अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो अगर बीच वाले टर्म में टू कॉमन नहीं है तो जबरदस्ती वाला टू कॉमन ले लीजिए, और टू कॉमन लेने के बाद टू डिवाइड भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये बन गया बच्चा लोग ए एक्स प्लस वन बाई फोर का होल स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी माइनस वन बाई फोर का होल स्क्वायर। जब आप राइट हैंड साइड में भेजेंगे, टू प्लस वन बाई फोर का होल स्क्वायर, इवन मैं इसको वन बाई सिक्सटीन लिख देता हूं, थोड़ा थोड़ा सॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि ये फैक्टराइजेशन से पॉसिबल नहीं था। लेकिन मैं श्री धाराचार्य रूल नहीं लगा रहा हूं, दिस मेथड इज कॉल्ड कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, एक कंप्लीट स्क्वायर यहां पर बन जाता है। लेकिन कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए आप देख रहे हैं कितना लोचा हो रहा है, कि पहले एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट से डिवाइड करो, सही ठीक है, फिर कांस्टेंट वाली वैल्यू को आरएचएस में भेज दो, फिर ये जो एक्स वाले टर्म है यहां से टू कॉमन लो, एक्स लिखो, फिर जो भी बी बचे अकॉर्डिंगली, फिर उस बी का होल स्क्वायर ऐड करो, उस बी का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करो, एक कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। लेकिन अपन ने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की भी शॉर्ट ट्रिक बना रखी है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यानी कि आप क्वेश्चन कंप्लीटिंग स्क्वायर का यहां से स्टार्ट कर सकते हैं, यहां से स्टार्ट आप कर सकते हैं, वो भी श्री धाराचार्य का रूल जब ड्राइव कराऊंगा तो उसमें एक स्टेप आएगी, वहां बताऊंगा, इसी क्वेश्चन को रखिएगा। तो कहानी पूरी है, मैं आपको सेपरेट करके पढ़ा ही नहीं सकता, मैं कितनी भी कोशिश कर लूं। अगर आप एक लर्नर हैं, एक सीखने वाले बच्चे हैं और मेरे साथ मैथमेटिक्स को सीखना चाहते हैं, फील करना चाहते हैं, तो बने रहो, देखो बस इस चीज को। इतनी बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी। तो आगे देखिए बच्चों, भाई मेहनत लगती है समझाने में, जब कोई बच्चा सामने नहीं बैठा होता है ना और आप लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं, तब पता चलता है वो घबराहट, कैसे समझाएंगे बच्चों को, क्या बच्चों को समझ में आता भी होगा कि नहीं आता होगा। आप तो बस देख के बिना लाइक किए या फिर ऐसे ही निकल लेते हैं या स्किप कर देते हैं वीडियो को, मेहनत कितनी होती है वो बनाने वाला जानता है। एलसीएम लेते 16 × 32 + 4 34/16 समझ में आ गया बात, 33/16 जब इधर से स्क्वायर हटेगा तभी तो आता है प्लस माइनस, जब इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर स्क्वायर रूट लगेगा, 33/16 और आगे क्या आएगा, प्लस का भी और माइनस का भी। बिल्कुल सही है सर, एक्स इक्वल टू माइनस वन बाई फोर उधर जाएगा, प्लस माइनस आ जाएगा, अंडर रूट 33 रहेगा और 16 का क्या भार आएगा, 4।
श्री धाराचार्य के रूल से सॉल्व करके देख लो, अगर ये आंसर नहीं आता है, आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ रखा है, आप स्मार्ट बच्चे हो, आपने श्री धाराचार्य पढ़ रखा है, आपके स्कूल में पढ़ाया जा चुका है, आप सॉल्व करके देख लो, अगर नहीं आए तो फिर बात की बात है बच्चों, आप मुझसे कहिएगा अगर नहीं आता है। ठीक है, कोई ज्यादा लंबा चौड़ा लेक्चर अभी नहीं हुआ है, एक सवाल में सर 10 मिनट लगा दिए, क्या सीखोगे नहीं तो क्या करोगे? लर्निंग में टाइम नहीं देखा जाता, लर्निंग में टाइम नहीं देखा जाता। अब देखो जल्दी से, 4 को ले लो LCM, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 33, एक बार x की वैल्यू प्लस में ले लो और एक बार x की वैल्यू माइनस, या दो दो बार लिख दो, ऐसे लिख दो। अगर मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करता तब भी यही आंसर आता, लेकिन हाउ, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसे आया, हाउ, हाउ इट कम्स, हाउ इट ड्राइव्स क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो ये मैंने एक नॉर्मल क्वेश्चन पे अप्रोच लगाई आपको समझाने के लिए। यही अप्रोच मैं जनरल इक्वेशन पे लगाने वाला हूं। जनरल इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, और यही अगर मैं अप्रोच जनरल पे लगा दूं तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, अगर मैं ये आपको डायरेक्ट पढ़ाता ना ड्राइव करके, आप बोलते रटा रटा आए सर, इस टीचर को समझ नहीं है, बस इसने रट के और हमको सिखाया। आप ये चीज को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, इस आंसर को साइड में रख दीजिए, समझ में आई बात, इस आंसर को साइड में रख दीजिए, अब हम एक जनरल पे बात करेंगे कि भैया आया कहां से, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, हिस्ट्री में बहुत ही कम लोग ड्राइव कराते हैं और बहुत ही कम ऐसे बच्चे हैं जो उसका डेरिवेशन पढ़ेंगे। अरे अपने को क्या करना है, हमें तो क्वेश्चन में वैल्यू रखनी है और आंसर निकालना है, तो ऐसे लाखों बच्चे जा चुके पढ़ के, ठीक है ना, और ऐसे लाखों टीचर पढ़ा चुके और आज वही के वही हैं, तो चीजों को समझना सीखिए, ऐसे करके IIT में नहीं पहुंच पाओगे, ऐसे करके नीट नहीं क्लियर कर पाओगे। अब आगे देखिए, यही इक्वेशन है, मैं इसको लिख रहा हूं अब, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। श्री धाराचार्य जी ने कहा कि ये सारे बेवकूफ लोग हैं जो भाई अलग अलग क्वेश्चन पे इतना लंबा मेथड लगा रहे हैं, क्यों ना मैं एक जनरल इक्वेशन ले लेता हूं, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ए हो जाएगा, एक्स का कोफिशिएंट बी हो जाएगा, कॉन्स्टेंट टर्म सी, अगर मैं इसको सॉल्व कर लिया, एक इंडिया का पंडित उस टाइम बैठे हुए ये सोच रहा है कि अगर मैं इसको सॉल्व कर लिया तो दुनिया की सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, तो काहे ये गधे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाए जा रहे हैं, मैं तो इन्हीं का मेथड यूज करके और इन्हीं को मैं चौंकाने वाला हूं। देखिए अब बताइए, मैंने पहली बार में क्या किया था जब ये वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन कौन सा था, क्वेश्चन था 2x² प्लस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0, क्या किया था, 2 से डिवाइड किया था, बोला था ना x² के कोफिशिएंट से डिवाइड करना है, उसी सिस्टम को रिपीट कर दीजिए, बस उसी चीज को रिपीट कर दीजिए, तो यहां डिवाइडेड बाई ए ऑन बोथ साइड, दोनों साइड किससे डिवाइड कर दें, ए से डिवाइड कर दें, क्या इक्वेशन बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू जीरो। अगर लेक्चर पूरा देख लिया ना तो मजा आ जाएगा, अंडरस्टैंडिंग पूरी कंप्लीट हो जाएगी, एक भी चीज ऐसी नहीं रहेगी जो आपको आएगी नहीं। उसके बाद क्या कहा था, उसके बाद ये कहा था सी को उधर भेज देना, हाँ भैया सी अपॉन ए, फिर कहा था इसमें से 2 जबरदस्ती वाला कॉमन निकाल लेना, जब 2 कॉमन निकालोगे फिर ए स्क्वायर ए की जगह तो एक्स है ही, फिर बी की जगह क्या बचेगा, बी अपॉन ए, लेकिन मैंने 2 जबरदस्ती कॉमन लिया है तो डिवाइड में भी 2a लिखूंगा, ये बी की वैल्यू मिल जाएगी बी अपॉन 2a, कहा था इसका स्क्वायर ऐड कर लो, इसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर लो, मेरा मकसद नहीं रटाना, मेरा मकसद है रिवोल्यूशन लाना, समझ में आ रही बात, मेरा मकसद नहीं रटाना, जो समझने वाले होंगे वो समझेंगे। तो 2 × x × b/2a, अब प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर ऐड कर देते हैं और b अपॉन 2a का होल स्क्वायर सबट्रैक्ट कर देते हैं, ये श्री धाराचार्य ने किया था, बस मैं उनकी बात को रिपीट कर रहा हूं, इसलिए आज दुनिया उनको जानती है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को आज दुनिया जानती है, पूरी दुनिया में पढ़ाया जा रहा है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, हर जगह ये आपको मैथमेटिक्स में पढ़ाया जा रहा है, इंडियन मैथमेटिशियन, इंडियन ब्रेन का काम है यार ये, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ए प्लस बी का होल स्क्वायर, देखो स्क्वायर कंप्लीट हो गया, तो एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, मैंने कहा था इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, तो इतना काम अब करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहां से लिख सकते हैं हम लोग,
इस वाली चीज को उधर भेज दे, माइनस से प्लस में चली जाएगी, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, टू ए का स्क्वायर हो जाएगा फोर ए स्क्वायर, अब माइनस का सी अपॉन ए था। अब जरा बात को समझना, फोर ए स्क्वायर एलसीएम ले ले तो ये रहेगा बी स्क्वायर, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, फोर ए बचेगा और ये हो जाएगा फोर ए सी, और ये हो जाएगा एक्स प्लस बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर। मैं बोलता हूं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का भी फॉर्मूला बन गया, जो हमने इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाया था ना, कंप्लीट स्क्वायर, पीछे जाइए रिवर्स में, इसको यहीं ब्रेक लगाता हूं, उस वाले क्वेश्चन को दोबारा दिखाता हूं। एक्स एक्स प्लस बी, बताओ बी की वैल्यू क्या है, सर वन, क्योंकि ये ए होता है ये बी होता है ये सी, देखते रहना बस देखते रहना, अपॉन टू, ए की वैल्यू क्या है सर टू, तो टू टू हो जाएगा फोर, यानी कि वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन फोर का होल स्क्वायर। अभी जब मैं करा रहा था तो ये बना था नहीं बना था, लेकिन कितनी सारी काम करने के बाद बना था, टू से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड, कॉमन लो, बी का होल स्क्वायर ऐड करो, बी का होल स्क्वायर सबट्रैक्ट करो, अब कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। यानी कि अगर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आपके सिलेबस में होता तो मैं आपको ये शॉर्ट ट्रिक देता, मैं देता ये शॉर्ट ट्रिक। अब फॉर्मूला बस ड्राइव होने वाला है, पहले बस ये देख लो, इक्वल टू बी स्क्वायर, यानी कि वन का स्क्वायर माइनस का फोर, सॉरी बी स्क्वायर माइनस का फोर, ए की वैल्यू वन, फोर ए सी, सॉरी ए की वैल्यू टू, सी की वैल्यू माइनस फोर, माइनस माइनस प्लस हो जाता, फोर फोर जा सिक्सटीन टू था थर्टी टू, प्लस वन थर्टी थ्री, देख लो खुद ही देख लो यार, फोर फोर जा सिक्सटीन टू था थर्टी टू, प्लस वन थर्टी थ्री अपॉन फोर ए स्क्वायर, फोर और ए है टू, टू का स्क्वायर फोर, फोर फोर जा सिक्सटीन। क्या ये आंसर आया था, क्या ये स्टेप बना था पिछली बार जब मैं अभी सॉल्व कर रहा था क्वेश्चन, या नहीं कर रहा था, अब आप मुझे बता दीजिए। बस कहानी को समझ रहे हैं ना आप, इस बात को समझ रहे हैं ना आप, बिल्कुल मजा आ जाएगा, आप सोल से फील करो मैथमेटिक्स को, सोल से, क्या गेम है, समझने वाली बात है, रटने वाला कुछ रखा नहीं है। तो ये आज से आप लोग, अगर आपसे कहा जाए कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या है, ये फॉर्मूला मार दो कि सर ये है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, इसके अलावा कुछ नहीं है, ये सब काम कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन अब हम पढ़ते हैं श्री धाराचार्य, बस थोड़ा सा आगे बढ़ा दो, x प्लस बी अपॉन टू ए की वैल्यू क्या आएगी, अगर यहां से स्क्वायर हटा दिया जाए सर पूरे पे रूट आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन फोर ए स्क्वायर, बताओ बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, हाँ सर दे रहा है, ये थोड़ा सा मैं इरेज कर दूंगा, थोड़ा सा इरेज करूंगा, x इक्वल टू प्लस का b अपॉन टू ए, इधर माइनस में जाएगा b अपॉन टू ए, और रूट लगेगा तो इधर प्लस माइनस लगेगा, तो प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, फोर ए स्क्वायर, फोर से टू बाहर आया, ए स्क्वायर से a बाहर आया, टू ए कॉमन मिल गया, ये बचा माइनस का b, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, द हिस्टोरिक फॉर्मूला ऑफ मैथमेटिक्स विच इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हैज बीन ड्राइव्ड। अब बताइए आप लोग, यही है ये काम श्री धाराचार्य ने किया, इसलिए आज दुनिया उनको याद रखे हुए है, आज दुनिया उनको याद करती है, उनके योगदान बहुत इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स में, क्योंकि वही क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगी जिनके फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं हो सकते। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, नोटबुक पेन लेके, उम्मीद करता हूं आप बैठे ही होंगे सारी चीजों को लिखने के लिए, इसको हटा के अब वो जो क्वेश्चन था ना, आप दोबारा डायरेक्टली करते हैं, देखते हैं आंसर जो हमने बनाया था, माइनस का वन और आई थिंक माइनस वन था या प्लस वन था, हाँ माइनस का वन और प्लस माइनस अंडर रूट थर्टी थ्री अपॉन कुछ फोर आ रहा था, देखते हैं आता कि नहीं आ रहा। क्वेश्चन क्या था, वही क्वेश्चन दोबारा लिखते हैं, टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस फोर, यानी कि अब ऑब्वियस सी बात है यार, इसको भी इरेज करना चाहूंगा। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो कहते हैं दोनों सेम है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में कंसेप्चुअली कोई अंतर ही नहीं है, दोनों सेम है, बस उन्होंने एक्स की वैल्यू डायरेक्ट निकाल ली, वो पूरा प्रोसीजर दिखाते हैं, समझ रहे हैं, मतलब उन्होंने ड्राइव कर दिया, सपोज कर लो वो हर क्वेश्चन के लिए कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में हर पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए वो ड्राइव करते हैं। तो एक्स प्लस बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन फोर ए स्क्वायर, इसको हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बोल सकते हैं और इसको हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोल सकते हैं, बोथ आर सेम, इससे ये ड्राइव किया है ना मैंने। गेम समझ रहे हैं ना आप लोग। अच्छा क्वेश्चन डायरेक्ट निकालेंगे, माइनस बी यानी कि माइनस वन, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, वन का स्क्वायर वन, माइनस का फोर ए सी, फोर ए सी,
तो 4 a की जगह 2, c की जगह -4। अगर ये नेगेटिव में आ गया तो इमेजिनरी हो जाएगा। इसी के बेस पे अब डिस्क्रिमिनेंट यहां से पैदा होगा। इट इज द ओरिजिन ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। आज तक बच्चों का रटा हुआ है मैथमेटिक्स में कि इसको डिस्क्रिमिनेंट क्यों बोल रहे हैं सर। डिस्क्रिमिनेंट मतलब क्या करना है? भेदभाव करना है। इस वैल्यू में ऐसा क्या है? ये कौन सी ऐसी हिस्टोरिक वैल्यू है जो मैजिकल वैल्यू है, जो ये रियल रूट्स, इक्वल रूट्स, ये सब कहानी आपने अपने स्कूलों में सुनी होगी। उस पे सेपरेट अगला लेक्चर होगा बच्चों मेरा। अगला लेक्चर वही होगा डिस्क्रिमिनेंट और उसकी कहानी, कैसे पता चलता है रियल एंड इक्वल रूट्स, कैसे पता चलता है रियल एंड अनइक्वल रूट्स, कैसे पता चलता है इमेजिनरी रूट्स, और इमेजिनरी रूट्स को भी सॉल्व करना सिखा दूंगा, जो कि क्लास 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको पढ़ाया जाएगा। तो बस बने रहिए मेरे साथ। नीचे क्या था? 2a, a की वैल्यू है 2, माइनस 1 प्लस माइनस 4, 4 जो 16, प्लस का 16 टू द 32 प्लस 1 33 अपॉन 4। बताइए ये आंसर आया था कि नहीं आया था? बस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले लगा के इतना छोटा हो गया, कंप्लीटिंग स्क्वायर से बहुत लंबा आया था, इससे लगा दे तो बीच में आ जाएगा मीडियम। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड तो अब दुनिया में यूज होता नहीं है। अगर कोई करता है समझदार तो ये वाला कर लेता है, और बहुत समझदार है तो ये कर लेता है। समझ आ रही है ना मेरी बात? तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है जो भी है, श्री धाराचार्य का रूल का लिंक अब यहां से आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब बताइए मजेदार कहानी थी ये नहीं थी? अब 100 क्वेश्चन करो, 50 करो, 60 करो, 90 करो, क्या फर्क पड़ता है? अगर आपने ये समझा है, अगर आपको ये बातें समझ में आई है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दिस एंड दिस, व्हाट इज द शॉर्ट फॉर्मूला फॉर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, हाउ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इज ड्राइव्ड फ्रॉम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, देन यू आर इंटेलिजेंट, देन यू आर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। उसके अलावा मैं नहीं समझता कि आप पढ़ाई कर रहे हैं। फिर तो मैं ये कहूंगा कि ब्लू पेन से आप अपनी कॉपी को रंग रहे हैं। भैया कोई सवाल कर लिया, नंबर भी मिल गया, टीचर ने दे दिया, वो सब रंगाई पुताई है, वो आप पुताई कर रहे हैं, समझ नहीं रहे। अगर कोई रियल लाइफ की प्रॉब्लम आ जाती है कैसे बनाएंगे भाई, मुझे तो बता दीजिए। इतने सारे करोड़ों के पैकेज आईआईटी इंजीनियर को, मैनेजमेंट के लोगों को जो आईआईएम में पढ़ रहे हैं, आईआईटी में इंजीनियर पढ़ रहे हैं, वो सब जो भी स्टडी करते हैं ना, उनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को जानते हैं कि ये काम रियल लाइफ में इस तरीके से अप्लाई होगा। वरना वही बीटेक करके प्राइवेट कॉलेज से 12,000 की नौकरी के लिए भटक रहे हैं वही बच्चे, वही सिलेबस पढ़ने के बाद, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज के नाम पे उनके पास क्या है? कुछ भी नहीं है। एक क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही उठा लेते हैं, फोन की हालत खराब हो गई है चौक लगने के बाद, कोई इशू नहीं है। एक्सरसाइज 4.3 एनसीईआरटी उठा लीजिए, और क्वेश्चन नंबर 1 आपको फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। सिलेबस में नहीं है लेकिन हम श्री धाराचार्य के रूल से कर लेंगे। और क्वेश्चन नंबर अगर 2 आप देखें एक्सरसाइज 4.3 का, तो यही दे रखा है, फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन फर्स्ट अबव बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो अपनी बात पे आ गए ना वो वापस, तो 2x² - 7x + 3, इसमें से एक क्वेश्चन तो मैंने आपको करा ही दिया है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आप तुम कहोगे सर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी दे दो हमें, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम फिर भी कर लेंगे डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने के बाद। फिलहाल x इक्वल टू, हाँ जब भी आप ये करेंगे ना तो ये जरूर बोलेगा कि इफ द रूट आर एग्जिस्ट, अगर रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं तो निकालो। तो ये जो रूट वाली वैल्यू है ना बच्चों, b² - 4ac, अगर ये वैल्यू रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए, रूट में कभी भी नेगेटिव आ जाता है तो कैसा नंबर होता है? ये रियल नंबर में फर्स्ट टर्म में पढ़ाया था आपको इमेजिनरी नंबर, तो वहां पे लिख देना रूट्स आर नॉट एग्जिस्ट। लेकिन हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, वो आयोटा वाली कहानी याद होगी आपको। फिलहाल चलिए कोई बात नहीं, फॉर्मूला लगा लीजिए, b² - 4ac / 2a, माइनस बी की वैल्यू -7 तो +7 हो जाएगा, +7 प्लस माइनस b² - 7² = 49, माइनस का 4, a की जगह 2, c की जगह 3 अपॉन 2, a की जगह 2 +7 प्लस माइनस 4 2 8 2 16, 49 से 16 जाएंगे, 49 से 16 जाएंगे, 9 से 6 गया 3, 4 से 1 गया 3, ओहो 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 कितना बच रहा है? 33। हाँ हाँ ठीक 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 है ठीक है ठीक है, चेक कर लिया जाए सब ठीक है। हाँ ओके, 2 2 4, तो आई होप शायद यही आंसर है। क्वेश्चन में आंसर तो है नहीं मेरे पास, तो उम्मीद करते हैं ये होगा। एक बार रीचेक कर लीजिए, माइनस बी माइनस माइनस, अगर क्वेश्चन यही है तो, अगर क्वेश्चन यही है तो भाई आंसर सामने नहीं होते तो थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, क्या आएगा क्या नहीं आएगा।
तो एक बार क्वेश्चन चेक कर लो, 2x² - 7x + 3 माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 49 माइनस का 4 ए की जगह 2 सी की जगह 3 24 हाँ ये हाँ गड़बड़ हो रही है 3 × 2 = 6 4 × 24 आ रहा है बच्चों 49 से 24 जाएगा तो 25 बचेगा वही मैं बोल रहा हूँ कुछ गड़बड़ है और हो जाता है यार कभी कभी अच्छे अच्छे से गलतियाँ होती हैं 25 का क्या बाहर आएगा 5/4 साथ में 5 अगर ऐड अब दो दो वैल्यू लेनी है ना आपको दो दो वैल्यू ध्यान दीजिए जरा ये मेरा बोर्ड पता नहीं क्यों हिल रहा है हाँ देखो अब तो 7, 5, 12 एक बार प्लस में ले लेते ना x की वैल्यू 12/4 यानी कि एक बार आ जाएगा 3 एक बार माइनस ले लो तो 7 में से 5 जाएंगे 2 बचेंगे 2/4 एक बार आ जाएगा 1/2 तो ये दोनों आंसर आपको मिल जाएंगे। एक ऐसा क्वेश्चन भी है जिसमें रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं दूसरा वाला मैं करा चुका हूँ तीसरा वाला आप होमवर्क में करेंगे फोर्थ वाला क्वेश्चन है ताकि आपको ये बात भी समझ में आ जाए कि सर रूट एग्जिस्ट कैसे नहीं करते हैं कौन सा क्वेश्चन है सर एक बार प्लीज दिखा दीजिए। तो ये हमारी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज भी यहाँ से निपट जाएगी अच्छे से और बाकी एक दो क्वेश्चन आपको अच्छे और दिखा देता हूँ मैं। क्वेश्चन है 2x² + x + 4 = 0 ठीक हो रही है बात फॉर्मूला लगाया माइनस बी अब डायरेक्टली लिख देता हूँ -1 + -√b² यानी कि 1 का स्क्वायर -4 ए की जगह 2 सी की जगह 4 2a ए की जगह 2 तो -1 + -1 का स्क्वायर 1 4 × 2 = 8 × 4 = 32 तो माइनस का अंडर रूट में 31 बच रहा है 4 और जहां भी माइनस में आता है तो वो रियल नंबर नहीं होता इमेजिनरी नंबर होता है तो हम बोल देंगे नो रियल रूट्स बस यहीं पे लिख दीजिए नो रियल रूट्स यानी कि इसके रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं लेकिन थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा क्योंकि मेरा मकसद नहीं है रटाना ठीक है इंकलाब लेकर आना है तो -1 + -1 मैंने एक कहानी आपको बताई थी अगर माइनस में कोई नंबर आ जाता है तो इसको हम लोग √-1 × √a लिख सकते हैं और √-1 इमेजिनरी यूनिट होती है उसको आयोटा लिखते हैं यूलर ने बताया था ये क्लास 11 की मैथमेटिक्स आ गई तो √ai लिखा जा सकता है तो इसके आंसर आ जाएंगे ऐसा नहीं आंसर नहीं आएंगे आंसर होंगे −1 + −√31i बाहर है रूट √4 ये इसके आंसर होंगे इमेजिनरी यानी कि क्लास 11 की बुक में अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो ये आंसर दिया होगा 11th क्लास का क्वेश्चन हो जाएगा आपका कोई दिक्कत नहीं है कोई इशू नहीं है वहां से ठीक हो रही है बात बच्चों लोग क्लास 10th में कोई समझना ये बहुत बड़ी बात नहीं है कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर जब मैंने आपको पढ़ाया था फर्स्ट टर्म में पूरा गेम ये आपको सिखाया था कुछ क्वेश्चन आर डी शर्मा सर की बुक से रेफरेंस क्वेश्चन लेते हैं और उनको सॉल्व करेंगे। काफी ठीक ठीक क्वेश्चन है काफी ठीक ठीक एक क्वेश्चन ये लेते हैं जरा एबीसी की फॉर्म में जिससे थोड़े से अलग हटके क्वेश्चन हो जाएं 8ab(x) + 4b² = 0 ठीक है एक्सरसाइज 8.5 और क्वेश्चन नंबर सेकंड का 6th पार्ट है ये सीधे सीधे श्री धाराचार्य लगाया सीधा सीधा फॉर्मूला तो आपको याद हो ही चुका है -b यानी कि -8ab (+-√b² 8 का 64 a² b² -4 a की जगह 3a² × c की जगह 4b² तो ऐसे क्वेश्चन भी जो आपको दिक्कत आती थी ना फैक्टराइजेशन करने में ए बी वाले के फैक्टर सिखाए थे ना लेक्चर नंबर 2 में बहुत डिटेल में अगर अभी भी नहीं देखा है देख लो तो इस वाले क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से धड़ से हम उड़ा सकते हैं धड़ से फिनिश 2a की वैल्यू क्या है 3a² -8ab (+-64a²b² अब देखिए 4 × 3 = 12 12 × 4 = 48 और साथ में a²b² कोई दिक्कत नहीं है सर 2 × 3 = 6a² -8ab (+-64 से 48 जाएगा तो कितना बचेगा तो 14 से 8 = 6 और 5 से 4 = 1 16a²b² परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है -8ab (+-16 से 4 बाहर आएगा और a²b² से ab बाहर आएगा (+6a²) उसके बाद अपन यहाँ करेंगे पहले प्लस का ले लेते हैं ठीक है एक ऐसे लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट पहले प्लस का लेते हैं
प्लस का 4ab माइनस का 8ab, माइनस का 4ab बचेगा, नीचे है 6a स्क्वायर, तो 2 2s 2 3s और एक ए से एक ए कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा माइनस का 2b अपॉन 3a। ये होगी एक वैल्यू। दूसरी वैल्यू दोनों माइनस का लेंगे, 8 और 4, माइनस का 12ab अपॉन 6a स्क्वायर, 6 2s 12, एक ए से एक ए कैंसिल हो गया, माइनस का 2b अपॉन a, दूसरा आंसर ये आएगा। कोई फैक्टराइजेशन नहीं, ओनली क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का जादू देखिए। अब आप कितने ही नंबर ऑफ क्वेश्चन कर लीजिए, फर्क नहीं पड़ता। मेन चीज थी कॉन्सेप्ट, डेरिवेशन कैसे करके आया, किसने ड्राइव किया, कौन सा दिमाग लगाया, क्या थी वो कहानी जिसकी वजह से आज उनको सब याद रखते हैं, वो चीज इंपॉर्टेंट थी बच्चों, जो अपन आपको पढ़ा चुके हैं। एक दो क्वेश्चन और बताएंगे, अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे। वो रूट वाले क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही सवाल है, आरडी शर्मा सर की बुक में है, माइनस का 2√2 प्लस का 1 = 0, तो इसको भी क्वाड्रेटिक फॉर्म अगर एग्जाम में लिख के आया। अब सर एक और सवाल था बच्चों का, सिली क्वेश्चन था कि सर अब फैक्टराइजेशन को क्यों पढ़ाया जा रहा है जब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आ चुका है और हर इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हो चुकी है, सॉल्व हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन कभी कभी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लेंथी हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन में एग्जामिनेशन में मेंशन होता है कि भैया फैक्टराइजेशन से करिए या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करिए। फैक्टराइजेशन में अगर मेंशन है तो आपको फैक्टराइजेशन से ही करना पड़ेगा, और अगर मेथड मेंशन नहीं है कि सिर्फ इतना लिखा है सॉल्व फॉर एक्स, कि एक्स के लिए सॉल्व करके दिखाओ, तब आप कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में मेथड मेंशन है तो आपको वो मेथड लगाना पड़ेगा, अदरवाइज आपको नंबर नहीं मिलेंगे 2√2x + 1। आफ्टर ऑल नंबर भी तो चाहिए ना रिजल्ट बनाने के लिए। अच्छा पढ़ोगे तो नंबर खुद ही आ जाएंगे। फिर मैं बोल रहा हूँ, फिर मत कहना कि सर ने दो बातें कर दी, एक तरफ कह रहे हैं सीखो, एक तरफ कह रहे हैं नंबर बनाओ। अच्छा पढ़ोगे नंबर खुद आएंगे यार। हाँ भाई ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इक्वल टू माइनस का b, तो माइनस का ही ऑलरेडी है ये, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2√2 + −√b² 2√2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, √2 का स्क्वायर 2 होगा, मल्टीप्लाई होगी 4 2 8 8 माइनस 4ac 4, a की जगह 2, c की जगह 1, बड़ा खतरनाक लग रहा था ना आपको ये, इंटू 2a, ये तो क्वेश्चन ही नहीं है, बच्चा सवाल निकला। 4 2 8 8 में से ऐड गए 0, लुढ़क गया 2√2/4। अब कहा सर आप फंस गए, आप यहाँ पे एक सीख आपको और मिल जाएगी यार, हर जगह से सीखो। सर प्लस माइनस तो यहां पर था, यहां बचा 0, अब तो इसका एक ही रूट बचा, आप तो कहते थे 2 रूट होते हैं। तो ये बच्चों किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, किसका परफेक्ट स्क्वायर है वो भी हम बता देते हैं आपको, ये √2x - 1 का परफेक्ट स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, यानी कि इसके दोनों फैक्टर ही आएंगे। और इस वाले जब भी हम आते हैं तो इसके रूट्स कैसे होते हैं, दोनों रूट सेम होते हैं, रियल एंड इक्वल रूट्स। तो यहां वही गेम है, अगर एक आंसर आ रहा है तो समझ लो रियल एंड इक्वल रूट्स है। एक आंसर कब आ रहा है, जब b² - 4ac की वैल्यू 0 हो रही है, तब रूट कैसे आ रहा है, रियल एंड इक्वल। यही तो डिस्क्रिमिनेंट की कहानी है कि जब d की वैल्यू 0 आए, यानी कि b² - 4ac की वैल्यू 0 आए, तब रूट्स को रियल एंड इक्वल बोलते हैं, जिनकी वैल्यू हो जाती है -b/2a। तो ये पूरी कहानी नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन वो आया सब यहीं से। अगर आपको ये समझ में आ गया 2 2s 4, तो √2/2, या फिर इसको 1/√2 भी लिख सकते हैं, जो भी आपका मन करे, दोनों रूट्स यहां से आपके यही हो जाएंगे। तो अब आप श्री धाराचार्य के कितने भी सवाल करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर रूट के अंदर वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो तुरंत बोल दीजिए नो रियल रूट्स, आगे जाके हम उसको पहले सॉल्व कर लिया करेंगे, जिसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं b² - 4ac। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, मुश्किल क्वेश्चन ही नहीं मिल रहा, बताइए क्या करें अब हम, नहीं मिल रहा है तो हमारी गलती थोड़ी है। 2x² + 5√3x + 6 = 0, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। x = -b, यानी कि -5√3 + −√b² 25 3 = 75 हो जाएगा, माइनस का 4, a की जगह 2, c की जगह 6 अपॉन 2a, −5√3 + −75 माइनस 4 2s 8 8 6s 48 अपॉन 4, 5√3 + −, 15 से 8 जाएगा 7 बचेगा, 6 से 4 जाएगा 2 बचेगा 27 को लिख सकते हैं, चलो अभी 27 ही लिख लो यार, क्या बात है। यहाँ देखो
तो माइनस का 5 रूट 3 प्लस माइनस 27 को क्या लिख सकते हैं, 9 3 27, 9 से 3 बाहर आएगा, रूट में रहेगा 3, यानी कि 3√3 अपॉन का 4, बस हो गया। जब एक बार प्लस का लोगे तो प्लस के 3√3, माइनस के 5√3, बचेंगे माइनस के 2√3 अपॉन 4, 2 2 4, एक आंसर आएगा माइनस का √3/2। ये x की एक वैल्यू है। दूसरा, बिकॉज हमें इधर प्लस भी लेना होता है और इधर माइनस भी लेना होता है, तो माइनस का 5√3 और माइनस का ही 3√3 हो जाएगा माइनस का 8√3 बच्चा लोग, और 4 2 होता है 8, तो x की वैल्यू आ जाएगी एक माइनस का 2√3। एक वैल्यू ये हो गई, एक वैल्यू ये हो गई। बिंदास झक्कास, बिना किसी प्रॉब्लम के सवाल होंगे। अब मैं 50 सवाल कराऊं, 20 सवाल कराऊं, कोई फर्क नहीं पड़ता, टाइम क्यों वेस्ट करूं आपका। बिंदास, जहां से क्वेश्चन मिले, कोई सी भी आपके पास किताब है, सवाल को लगा डालो, उड़ा डालो, बस कोई दिक्कत कहीं से आनी नहीं है। जो मेन चीज थी वो बता दी है, तो बताइए आपको कैसा लगा ये लेक्चर, कैसी लगी ये मेहनत, और आपको कैसा लग रहा है इस सीरीज को पढ़ते हुए। तो थोड़ा मोटिवेशन के लिए लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, बहुत जल्दी आपसे मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बने रहिए हमारे साथ और अपना रखिए बहुत ध्यान। बाय बाय, टेक केयर।